स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। कुरकुरी कुरकुरी लग रही है ना, आ गया ना मुंह में पानी। तो इतनी ही स्वादिष्ट और मज़ेदार टिक्की बनाने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे आलू, उनको हम लोग उबाल कर छील कर ऐसे रख लेंगे, ठंडे हो चुके थे अच्छे से। अब इसमें हम लोग डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, फिर डाल देंगे हम लोग चाइना का नमक, या फिर इसको अजीनोमोटो भी कहते हैं, या फिर इसको MSG सॉल्ट भी कहते हैं। और उसके बाद नॉर्मल नमक डाल देंगे, और फिर हम डाल देंगे कॉर्नफ्लावर, उसके बाद हरे धनिया के पत्ते और हरी मिर्च डाल देंगे, फ्लेवर बहुत अच्छा लाते हैं। फिर हम लोग नींबू निचोड़ देंगे इसमें, तो ये मेरा काफ़ी अच्छा रसीला नींबू था, तो मैंने आधा नींबू निचोड़ दिया। और इसका ना बीज वगैरह निकाल देना, इसमें रहना जाए, स्वाद बिगाड़ देंगे वो आपकी टिक्की का। तो अब इसके बाद आलूओं को अच्छे से फोड़ कर इनको मिलाकर आपको ऐसे गूंथ लेना है, और इसको थोड़ी देर आराम करने के लिए रख देना है। तो 20-25 मिनट इसे आपको आराम करने देना है। तो ये 20-25 मिनट आराम से रेडी हो चुका है आराम करके। तो अब हम लोग इससे टिक्कियाँ बनाएंगे। तो सबसे पहले एक पैन में थोड़ा सा तेल लेंगे, आप चाहें तो कढ़ाई भी ले सकते हैं, पर पैन में बहुत बढ़िया टिक्की बनती है। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे इससे अच्छे से लोई बनाएंगे, एक बॉल जैसी बना के इसको बीच में से दबा देंगे, तो ये हो जाती है हमारी टिक्की की शेप। बहुत आसान होती है, कोई और शेप भी आप दे सकते हो, पर मेनली तो टिक्की में यही शेप होती है। पतली मत कर देना, वो चिच्चड़ लगती है बनने में। तो ऐसे ही थोड़ा मोटी सी बॉल लेके उसको बीच में से पिचका देना, तो बहुत आसान होता है। तो ये बन गई हमारी 4 टिक्कियाँ, अब इनको सेक लेते हैं। तो ये हमने तेल टेस्ट कर लिया छोटी सी टिक्की डाल के इसमें, एंड तेल तैयार हो चुका है। अब इसमें धीरे धीरे करके अपनी टिक्कियाँ छोड़ देंगे। तो मेरी तो 3 ही टिक्की आई, वैसे बनाई मैंने 4 थी। और ये इसका स्वाद ना ऐसा आता है जैसे हलवाई नहीं बनाते बिल्कुल वैसा, मतलब शादियों में जैसे टिक्कियाँ होती हैं ना, वैसा फ्लेवर आता है इनका। और अगर आप इसे किसी को खिलाएंगे ना, तो यकीन ही नहीं करेगा कि आपने घर पर बनाई है, इतनी स्वाद होती हैं ये टिक्कियाँ। तो ये जब नीचे से अच्छे से सिक जाएंगी, तब हमें इन्हें आराम से पलट लेना है, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, इनको मीडियम फ्लेम पर पकाना है। तेज़ आँच पे पकाएंगे तो ये इनका स्वाद बेकार सा हो जाता है, मतलब जल जाती हैं। सो वैसे ही हम दूसरी टिक्कियाँ भी तैयार कर लेते हैं। जब तक ये सिक रही हैं, वैसे गोल बॉल बना के बीच में से पिचका के, तो ये बढ़िया बन गई। बहुत आसान तरीका है यार इनको बनाने का, मतलब जितनी ये दिखने में आसान है, उतनी खाने में ये यूनिक और स्वादिष्ट हैं। तो आप जब इनको ट्राई करेंगे ना, तब आप खुद ही यहाँ पे आके कमेंट ज़रूर करके बताना कि आपको ये कैसी लगी। सो ये हमारी टिक्कियाँ सिक रही हैं, एंड दिखने में कितनी परफेक्ट लग रही हैं। मेरे को तो इनका शॉट लेना ही इतना अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने इनका ज़्यादा लंबा शॉट ले लिया। सो ये हमारी टिक्कियाँ तैयार हो चुकी हैं, अब हम लोग अपनी चटनियाँ रख लेते हैं। तो ये हमारी सौंठ है, इसकी रेसिपी अगर आप चाहें तो मैं आपको बता सकती हूँ, कमेंट कर देना। एंड ये हमारी हरी चटनी है, इसकी भी मैंने रेसिपी शेयर कर रखी है चैनल पर, तो वो आप देख सकते हैं, बहुत आसान होती है। तो चटनियाँ तैयार हैं, और टिक्कियाँ भी हम लोगों ने बढ़िया करके कुरकुरी कर ली है, मतलब इनको थोड़ा ब्राउन कलर कर लेना है, ऐसा ब्राउन गोल्डन जैसा हो जाएगा ना कलर, तो ये बड़ी क्रिस्पी हो जाती हैं। सो ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है, हमारी टिक्की तैयार हो चुकी हैं। कितनी बढ़िया आवाज़ आ रही है ना, तो इस आवाज़ से पता चल रहा है कितनी कुरकुरी बनी हमारी टिक्कियाँ। तो ये तैयार हो चुकी है हमारी टिक्कियाँ, आप भी खाइए और सबको खिलाइए। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।